पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े करने से आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि हमने किस तरह से यूज किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है जिसे अपनाकर आप अपने घर को बहुत ही खुशबूदार बना सकेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए बिना देर किए हुए झटपट से बताती हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको एक पैड ले लेना है, जो कि पैड हमारे घर में हमेशा होता है, हम लेडीजों के पास हमेशा होता है। अब इसको आपको 5 टुकड़े 6 टुकड़े कर लेना है, 7 भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करना है, देखिए, क्योंकि अच्छे से ये कहीं भी आप इसे लगाएं तो थोड़ा सा चिपक जाए, तो इसलिए मैंने 2-2 इंच के टुकड़े कर लिया है। इस तरह से हमने, मुझे 6 टुकड़ों की ज़रूरत थी, 6 जगह मुझे इसे यूज करना था, तो मैंने 6 टुकड़े कर लिया है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसे बार बार यूज़ करना चाहेंगी, तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करना। तो हमने देखे इसके 6 टुकड़े करके रख लिया है। अब हम इसे किस तरह से यूज करते हैं, तो हमने ये लिया है लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल, जो कि काफ़ी खुशबूदार होता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, बहुत ही यूज़फुल है। इस ऑयल को आप इस पैड पे डाल दीजिए 2-4 बूंदें, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस 4 बूंदें ही डालना है। और अगर आपके पास ये नहीं है, ये ऑयल नहीं है, तो आप लीजिए कम्फर्ट। कम्फर्ट तो हर घर में होता है। कम्फर्ट को ½ चम्मच डाल दीजिए, या ड्रॉप की हेल्प से 4-4 बूंदें ड्रॉप डाल दीजिए। इस तरह से, इसी ड्रॉप से आप कम्फर्ट डाल सकते हैं, या तो ये ऑयल डाल सकते हैं। ये ऑयल आपके यहाँ 1 हफ्ते खुशबू इसकी बराबर बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी मतलब हटती नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको जब आप यूज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। देखिए, इस तरह से ड्रॉप से भी डाल सकते हैं, मैं इसे बूंद से ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से ड्रॉप में हमने कुछ ले लिया है, और उसको बस इसको हटा देना है, ये जो ऊपर की तरफ कवर लगा हुआ है, एक ये टेप क्या है, टेप ही है, तो इसको हटाने के बाद अब हम इसमें 2-4 बूंदें एसेंशियल की डालेंगे। उसके बाद आपको, जैसे कि हमने बोला एसेंशियल है तो एसेंशियल डाल दीजिए, नहीं तो आप कम्फर्ट डाल दीजिए। और ये क्या है, ये काफ़ी दिनों तक सूखता नहीं है, इसमें अच्छे से ये जो बूंदें इनकी होंगी एसेंशियल की, इसकी खुशबू जो होगी ये इसमें सोक करके रखेगा, तो ये 1 हफ्ते तक इसकी खुशबू जो है बिल्कुल बरकरार रहेगी। आप कम्फर्ट डालिए, 1/2 चम्मच कम्फर्ट डाला और फिर इसे कहीं भी लगा दिया, इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल है। तो हमने इससे ही सीधा डाल दिया है, उससे थोड़ा कम गिर रहा था, तो कम से कम 4-4 बूंदें हमने सब में लगा दी हैं। जिसमें नहीं लगाया है, 2-3 पैड बाकी हैं, तो उसमें हम ये कम्फर्ट डालेंगे, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कम्फर्ट की खुशबू। तो अगर कम्फर्ट की खुशबू पसंद है तो कम्फर्ट डालिए, एसेंशियल ऑयल है तो वो तो काफ़ी अच्छा होता है, उसकी खुशबू लंबे टाइम तक होती है। तो इस तरह से आप कम्फर्ट को भी डाल दीजिए, तो हमारा जो पूरा पैड है बिल्कुल बनकर बस तैयार हो गया है। इसे आप बस, आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ पे आप लगा दीजिए। आपके घर में घुसते ही किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की खुशबू आ रही है, और इसे आप साइड में लगा कर रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, और खुशबू से घर बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही अच्छा स्मेल अच्छी आएगी, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे, चलिए सेट कर देते हैं, तो दरवाजे के पीछे लगाऊंगी मैं, जिससे कि पता भी ना चले और खुशबू भी इसकी बराबर मिलती रहे। तो ये डोर के पीछे है, डोर तो हमेशा ये बंद रहता है, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। किचन में देखिए, ये इसके नीचे है, स्लैब के नीचे, जो कि यहाँ किसी की नज़र नहीं जाती है, ऊपर सारे सामान रखे हैं, नीचे इस तरह से लगा देंगे। और ये खिड़कियाँ हैं, जो कि खिड़कियों में हमें पर्दे के नीचे लगा देना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और इसकी खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू इसकी आती रहती है। अब बाथरूम में बात आती है, बाथरूम में ये साबुन स्टैंड है, उसके नीचे हम लगा देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर ये जो वेशिंग में लगा दिया, बाथरूम आ गया, बाथरूम में हम क्या करेंगे,
ये जो फ्लश है फ्लश के पीछे लगा देंगे। अब इसके फ्लश में जब बैठेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से सारे पैड को हमने यूज कर दिया है, जो कि काफ़ी पूरे घर में हमने 3 रूम में लगा दिया और बाथरूम में भी लगा दिया, किचन में भी लगा दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है। तो इस तरह इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। एक पैड से आपका पूरा घर बिल्कुल अच्छे से महक उठेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब ये सूख जाए तो आप हफ्ते में एक बार और इसमें कुछ भी एसेंशियल ऑयल या कम्फर्ट, जो भी चीज़ आपको खुशबू जो भी पसंद है, थोड़ा सा पाउडर कुछ भी आप इसमें फिर दोबारा डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छे से खुशबू बराबर आती रहेगी। तो हफ्ते में आप इसमें दोबारा फिर से डाल सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। इसे जब तक आप निकालेंगे नहीं ये बिल्कुल भी, इतनी अच्छी स्मेल आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इसमें मतलब काफ़ी यूज़फुल है। इसको पैड को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।